दोस्तों मेरे पास यहाँ पे दो क्रीमें ये और उनके साथ साथ दो क्रीमें ये, यानी कि चार क्रीमें ऐसी मेरे पास आज मौजूद हैं जो आपके फेस को वाइट करने की ताकत रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफिस से होंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मुझे आप लोगों को ये बताएं कि मेरे फेस में कुछ डिफरेंस नज़र आ रहा है या नहीं। जी हाँ दोस्तों, रिजल्ट आप लोगों के सामने है। मैंने अभी अभी फेशियल किया है, वो भी होममेड। यकीन करें मुझे इतने अमेजिंग रिजल्ट्स मिले। रिजल्ट आप लोगों के सामने है, आप लोग यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं कि मेरे फेस पर कितना ग्लो है। अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो जो मुझे नीचे कमेंट्स कर सकते हैं। तो दोस्तों अब मैं बात करता हूँ आज के टॉपिक की कि हमारे फेस के लिए कौन सी वाइटनिंग क्रीम बेस्ट है। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो खासकर पाकिस्तान के साथ साथ मेरे इंडियन व्यूवर्स के लिए भी बहुत बेस्ट होने वाली है, क्योंकि वो मुझे बहुत से ऐसे सवालात करते हैं कि यार हमें कोई ऐसी क्रीम बता दें जो पाकिस्तान के अलावा, ऑनलाइन के अलावा हमें इंडिया में बआसानी मिल सके और हमें ज़्यादा जतन ना करना पड़े। तो दोस्तों मैं ऐसी ही वीडियो आज लेकर हाजिर हो गया हूँ, तो जो वीडियो का एंड तक लाजमी देखिएगा। और दोस्तों मेरे पास यहाँ पर दो क्रीमें ये और उनके साथ साथ दो क्रीमें ये, यानी कि चार क्रीमें ऐसी मेरे पास आज मौजूद हैं जो आपके फेस को वाइट करने की ताकत रखते हैं, और इनके रिजल्ट्स की मैं आप लोगों को जितनी तारीफ करूंगा उतनी कम है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले मैं चलता हूँ लॉफ्टी ब्यूटी क्रीम की तरफ। आजकल बहुत ही ट्रेंड में है और यकीन करें ये वाइटनिंग क्रीम मुझे बहुत ज़बरदस्त लगी। वो इसलिए, एक तो ये हमारे कॉम्प्लेक्शन को वाइट करती है और दूसरा ब्राइट करती है, एंटी ऑक्सीडेंट है, एंटी एजिंग है, ऑयल कंट्रोल है, और उसके साथ साथ ये हमारे फेस पर फाइन लाइन्स को भी रिमूव करती है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों की उम्र ज़्यादा है और आप उनसे कम नज़र आना चाहते हैं तो जी इस वाइटनिंग क्रीम का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन आप इन पर अंधा धुन यकीन नहीं कर सकते। क्या पता ये हमारे फेस को जवान बनाए या ना भी बनाए, लेकिन मैं आप लोगों को अपना ओपिनियन देता हूँ कि इस वाइटनिंग क्रीम के रिजल्ट्स कैसे हैं और उसको किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। सबसे पहली बात, अगर आप लोगों का फेस वाइट नहीं है इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप लोगों का फेस ब्राइट नहीं है या आप लोग चाहते हैं कि मेरे फेस पे ग्लो आए, तब भी इस वाइटनिंग क्रीम को इस्तेमाल किया जा सकता है। अदरवाइज ऑयल कंट्रोल भी ये काफ़ी हद तक करती है, और सबसे अच्छी बात ये हमारी एक्ने को ट्रीट करती है। जी हाँ दोस्तों, ये हमारी एक्ने को ट्रीट करती है, उसके साथ साथ एंटी एजिंग। अब हमें ये भी नहीं मालूम कि ये हमारी उम्र को स्लो डाउन करती है या नहीं भी करती। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि मुझे ज़्यादातर यही कॉमेंट्स आते हैं कि हमें कोई वाइटनिंग क्रीम बता दें, बेस्ट वाइटनिंग क्रीम बता दें, और मेरे अंदाजे से लगभग वाइटनिंग क्रीम 50-20 वाले इस्तेमाल ही करते हैं और 25 वाले या 30 वाले इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि उनको पता है कि भाई अब हमें घर का काम करना है ज़्यादातर ख्वातीन, और वो अपनी स्किन की केयर नहीं करती। अब यहाँ पे मर्द हजरात हो या औरतें हो, हाँ हल बता, जब उनको कहीं पर जाना हो या वेडिंग वगैरह हो या भाई की शादी वगैरह हो, तब वो अपने फेस पर कुछ ना कुछ अप्लाई कर लेती हैं, तब कहीं पर जाकर वो कुछ ना कुछ जतन भी करती हैं। और करती ये है कि कोई भी ऐसी क्रीम ले आती हैं, अंधाधुन अपने फेस पर इस्तेमाल करती हैं, वाइटनिंग मिल जाती है, और जैसे वाइटनिंग मिलती है शादी चली जाती है, उस क्रीम को छोड़ दिया जाता है और बाद में आप लोगों का फेस उसी हालत में होता है। अब बात यहाँ पे हम करते हैं क्लियर कि इस वाइटनिंग क्रीम को इस्तेमाल करें या ना करें। तो दोस्तों मेरा कहने का मकसद ये है कि अगर आप लोगों के पास मिस गोल्ड ब्यूटी क्रीम मिल जाए, यानी कि आपको अवेलेबल हो आपके कहीं पर भी एरिया में, इस वाइटनिंग क्रीम को इस्तेमाल करें। सबके रिजल्ट सेम हैं। अगर आप लोगों को ये ना मिले तो जी आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं सिया ब्यूटी क्रीम। जी हाँ दोस्तों, इसके भी रिजल्ट मैंने आप लोगों को बता दिए हैं, सेम रिजल्ट्स हैं। अलबत्त इसको सेंसिटिव स्किन वाले भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके बाद इस क्रीम का बता दिया, लॉफ्टी क्रीम अगर आप लोगों को ये मिल जाए तो जी ये भी इस्तेमाल कर लें। अब बात करते हैं मेरे इंडियन व्यूवर्स के लिए कि वो कौन से इस्तेमाल करें। तो दोस्तों इसका नाम है फेम ब्यूटी क्रीम। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले आप इसका कार्डबोर्ड पैकेज देख लें, मुझे बहुत काफ़ी इंप्रेसिव पैकेजिंग लगी। उसके साथ साथ इनकी एक 24 के गोल्ड ब्लिच भी आती है जिसका नाम ही फेम है, और उसके रिजल्ट्स की तो मैं आप लोगों को क्या तारीफ करूँ। हमारे पाकिस्तान में मैक्सिमम 20-25 के दरमियान ये ब्लिच मिल जाती है, लेकिन अभी अवेलेबल नहीं है। अब बता नहीं क्यों नहीं, और इसके साथ साथ ये हमारे फेस को वाइट करेगी, ब्राइट करेगी, और इसमें मलबरी एक्सट्रेक्ट शामिल हैं। उसके साथ साथ ये हमारे सर्कल यानी कि डार्क सर्कल वगैरह हो जाते हैं
उसको रिमूव करेगी और हमारे फेस को इवन टोन में लेकर आएगी। और ये क्रीम जो अपने आप को खास बनाती है, जो इसकी सबसे बेस्ट बात मुझे लगी, इसमें शामिल है SPF 45। जी हाँ दोस्तों, यानी कि ये वाइटनिंग क्रीम आपको सूरज से प्रोटेक्ट करने की ताकत रखती है। वही वाली बात कि रात को तो सूरज होता नहीं, तो हमें ये सूरज से कैसे प्रोटेक्ट करेगी। अब बात करता हूँ कि ये कैसे प्रोटेक्ट करती है। देखिए, हम कोई भी नाइट क्रीम इस्तेमाल करते हैं, वो हमारे जिल्द में अच्छी तरह से जज़ब हो जाती है, यानी कि वो हमारी स्किन को एक रिपेयर करती है या वाइट करती है, यानी कि इन क्रीमों में जो केमिकल्स होते हैं ना, वो हमारी स्किन पर वर्क करने लगते हैं। और जैसे हम सुबह के टाइम उठते हैं या हमारे फेस पर डायरेक्ट सूरज की छांव पड़ती है, रोशनी पड़ती है, तो जी हमारा फेस कहीं ना कहीं से डैमेज वगैरह हो जाता है या रेड हो जाता है। लेकिन इनमें जो यहाँ पे इन्होंने केमिकल्स वगैरह शामिल किए हैं, वाइटनिंग एजेंट्स शामिल किए हैं, वो हमें सूरज से प्रोटेक्ट देंगे, जिससे होगा ये कि हमारा फेस ना ही तो ब्लैक होगा और ना ही तो हमारा फेस रेड होगा। बस यही कोई मेथड है जहाँ तक मुझे समझ में आया। तो दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं अपने फेस को वाइट करना, ब्राइट करना, तो दोस्तों आप इन वाइटनिंग क्रीम को इस्तेमाल कर सकते हैं बिना डरे। ये मैं आप लोगों को रेकमेंड करता हूँ, लेकिन खास आप लोगों ने ख्याल रखना है कि अगर आप लोगों को ये क्रीमें अवेलेबल नहीं है तो जी मुझे नीचे कमेंट्स कर सकते हैं, मैं आप लोगों के कमेंट्स का आंसर दे दूंगा। जो मुझे बेस्ट लगा उसको मैं पिन भी कर दूंगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो काइंडली हमारे चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लें, वीडियोस को लाइक कर लें। मिलेंगे से किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। दुआ में याद रखिएगा, अपना और अपनी स्किन का ख्याल रखिएगा।